जी मेन साहब, घर तो उसी का है, लेकिन इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है। वो खुद तो किसी को कुछ बता के नहीं जाता है, और उसकी बेगम जो है स्कूल गई हुई है। स्कूल? जी मैम, वो स्कूल में आया था काम पर। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऑफिस चलो। अरे देखो देखो, ये मुझे परवेज लग रहा है, जाओ से जाके देखे आओ। तो अहमद की गाड़ी है। फ्रैक्चर काफी है और चोटें भी शदीद आई हैं, मगर वो जिंदा है। थैंक गॉड डॉक्टर साहब के वो जिंदा है। डॉक्टर साहब आप उसके इलाज में कोई कसर मत छोड़िएगा। पैसों की आप फिक्र मत करें, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। वो तो ठीक है, मगर आपको पता ही पुलिस केस है, और जब ये एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से नहीं हुआ तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रही हैं? कभी कभी दूसरों का बोझ उठाना मजबूरी बन जाता है। उसने कुछ अरसे मेरे ऑफिस में काम किया था, इसे पहचान कर इस तरह मैं उसे सड़क पर मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकती थी, जबकि ये तो इस हॉस्पिटल का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर एनीवे मैं चलती हूँ, उसे जब होश आएगा तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि अब तो मेरा उससे मिलना और भी जरूरी हो चुका है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.